आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी बिसात बीत चुकी है। बीजेपी ने इस बार बंगाल की 42 में से 23 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। वहीं टीएमसी और बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस और सीपीएम ने गठबंधन किया है। इन सब के बीच सत्तारूढ़ टीएमसी और इसकी मुखिया ममता बनर्जी का जादू अभी भी सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पड़ेंगे विरोधियों पर भारी? क्या बंगाल में दीदी के आगे नहीं चलेगी किसी की दादागिरी? दरअसल बंगाल में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि आज भी दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी सबसे लोकप्रिय नेता है। फिलहाल वही प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है। यह मुकाबला ममता बनाम अन्य है। 2016 के असेंबली चुनाव में शारदा घोटाले की परछाई में उन्होंने चुनाव लड़ा और विजयी रही। नारदा विवाद के बाद भी उन्होंने सभी उपचुनावों में अपनी पार्टी को जीत दिलाई। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो खासी लोकप्रिय हैं। उनके कई विकास और गरीबों से जुड़े प्रोजेक्ट काफी लोकप्रिय हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ हरेक जिलों में नियमित तौर पर दौरे पर जाती है, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है। पीएम पद की रेस में होने की वजह से भी ममता बनर्जी को फायदा होता दिखाई दे रहा है। आज तक कोई बंगाली देश का पीएम नहीं बन सका। दिवंगत सीएम ज्योति बसु के सामने एक बार फिर ये मौका आया था, लेकिन उस वक्त उनकी पार्टी ने ऐतिहासिक गलती की। ज्योति बाबू को पीएम बनने की इजाजत नहीं दी और ये मौका हाथ से चला गया। अब जब ममता रेस में है तो उन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है। वो विपक्षी एकता की अहम शिल्पकार मानी जा रही हैं। ममता का गणित है कि पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को 31% वोट और 280 सीटें मिली। इस वक्त ऐसी कोई लहर नहीं है। हालांकि प्रदेश में बीजेपी के उदय से टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम परेशान जरूर हैं, लेकिन इस हाल में नहीं है कि कोई बड़ा उलटफेर कर सके। हाल ही में सामने आए कई चुनावी सर्वे के मुताबिक बंगाल में अभी भी ममता बनर्जी का जलवा बरकरार है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बंगाल में दीदी के आगे किसी की दादागिरी चलने वाली नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव में कौन किस पर कितना भारी पड़ता है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।